माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में सिन्हा और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने के प्राधिकृत करने का अभिलेखों का परीक्षण करने के और उसके संबंध और आनुषिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं ये महान सदन के सामने एक बिल लेकर आया हूं, जो बिल 1920 के बंदी सिन्हा कानून को रिप्लेस करेगा और 1920 से जो स्थापित है वो बंदी सिन्हा कानून आज कई दृष्टि से अपने आप में, समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक समय से कालबाह्य हो गया है। इसको रिप्लेस करके दंड प्रक्रिया सिन्हा विधेयक 2022 आज मैं जो लेकर आया हूं, उससे ये सारे जो कालबाह्य हुए छिद्र है इसकी न केवल भरपाई होगी और दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दोष सिद्धि का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए ये विधेयक समय उचित समय पर लाया गया है, वैसे तो बहुत लेट हो गया है। 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी सिन्हा अधिनियम 1920 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार बार चर्चा भी अनेक फोरम में हुई है। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा करी है, राज्यों के साथ पत्र व्यवहार भी किया गया है, अनेक प्रकार के इस पर अभिप्राय भी लिए गए हैं और इस सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है, अतः ये विधेयक लेकर मैं आया हूं। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इसको पुरस्थापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आए था, तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया, उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है, वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी बना, मैनुअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैनुअल के नाम से। वो प्रिजन मैनुअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है,
अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे वो जेल अधिनियमन के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है, इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैनुअल के साथ मिलाकर देखना होगा और ढेर सारी चीजों को हमने स्वीकारना भी होगा कि समय पर अगर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य हमने दो सिद्धि के लिए अदालतों की मदद के लिए जो उपलब्ध कराने हैं इसमें हम पीछे रहते हैं, दो सिद्धि का दर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने अपने विचार रखें, मैं भी बाद में डिटेल जवाब सदन के सामने रखूंगा और नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा, मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दो सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है और आगे पर यहाँ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद। तो हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि गड़बड़ी हो जाएंगे। नमस्कार। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं उसमें सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है, कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई है और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक एक कर सभी चीजों का धैर्य से जवाब भी दूंगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूंगा कि जो चीजों को एक शंका की दृष्टि से यहां पर रखा गया है, ये बिल लाने के लिए न सरकार की ऐसी कोई मंशा है न ऐसी कोई इच्छा है। हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है, समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव का उपयोग दो सिद्धि के लिए किया जाए इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है?
किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट कर लूट खसोट कर कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको आप सुनिए सुनिए सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार कानून के हिसाब से जीने वाले लोग है उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं, एक ही चश्मे और एक ही नजरे से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, गाढ़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो पीछे छूट जाते हैं वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका भी ह्यूमन राइट है और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी आप मानो न मानो हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ह्यूमन राइट को देखने के कई एंगल होते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, ये बिल देश के करोड़ों लॉ ओबीडियंट नागरिकों के ह्यूमन राइट के अधिकार का रक्षण के लिए मैं लेकर आया हूं। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न कर। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कही गई कि 1920 से बिल था, क्या जरूरत थी सुधार की दादा, तो फिर शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी। जल्दी नहीं है, 102 साल हो गया, मेरा तो ये सवाल है इतना लेट क्यों हुआ। और ये सारी चीजें इस बिल में है, सिर्फ नए आयाम जो जोड़े गए हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर, वो आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगरप्रिंट देते थे, कोई विरोध नहीं करता था, देते थे। और अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 में से 58 साल आप शासन में रहे, क्यों ये अंग्रेजों को लाया हुआ कानून हटा नहीं दिया। और भाई थोड़ा इतिहास को तो नाप तोल कर बोलो, नमक कानून के कारण नमक कानून 1930 में तोड़ा गया, कानून 1920 में आया है, अब क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो इतिहास को देखकर बोलो। आप नहीं थे मनीष जी बोले तब, आप बैठ जाइए ना। रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। ये बिल एफआईआर को और आरोपों को दोष सिद्धि के माध्यम से जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। ये बिल के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब इतनी पुलिस की कार्यवाही की असर नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए 2014 में मोदी जी ने देश भर के पुलिस फोर्स के सामने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट रखा था। एस से मतलब था सख्त परंतु संवेदनशील, एम से मतलब था आधुनिक मॉडर्न और मोबाइल,
ए से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, आर से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक, और टी से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित। ये टी वाला जो हिस्सा है, ये टी वाले हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए बिल मैं लेकर आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, ये डेटा के हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा करा पाते, सिर्फ 44%। बलात्कार के केस में सिर्फ 39%, अटेम्प्ट टू मर्डर सिर्फ 24%, डेकोइटी सिर्फ 29% और रॉबरी में सिर्फ 38%। और इसके सापेक्ष में दुनिया भर के डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 68%, साउथ अफ्रीका 82%, ऑस्ट्रेलिया 2021 का है 97%, यूएसए 93%। ये भी सारे ह्यूमन राइट के चैंपियन देश हैं और ये सब जगह इससे भी कठोर कानून उपलब्ध है। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का आपने जिक्र किया, इसका भी मैं बाद में जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजें हैं इसको यहां रख देना, और जो चीज हमारी विचार के अनुकूल नहीं है इसको नहीं रखना। इस प्रकार से अगर हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावे और कुछ नहीं कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जजमेंट अगर पढ़ा ही नहीं है तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य एक ही तथ्य लेकर सिलेक्टिवली यहां रखना, ये सांसद के नाते ठीक नहीं है, ऐसे ही मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए, क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्रिमिनल क्राइम करने लगे, और पुलिस को हम आधुनिक तकनीक से लैस न करें, किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि भैया गोल्ड मेडल लेकर आओ, गोल्ड मेडल क्या, वो तो बेचारा डूब जाएगा क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में अब नहीं चलती। दादा को भले लगता हो जल्दी हो गई है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, समय आ गया है कि इसको हम बदले, और इसके लिए सिर्फ ये बिल नहीं है, ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक कहा अधीर रंजन जी ने कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे, किसी ने चिंता किया? हमने चिंता किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और फॉरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करें, एमएससी करें, रिसर्च करें, वहां से प्रोफेसर बाहर आए, इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस इन यूनिवर्सिटी मोदी जी ने अभी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6 राज्यों में इसकी एफिलेटेड कॉलेज, उसके कैंपस खोले गए, सब जगह फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है, और ये सारी यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों से जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी दो सिद्धि का प्रमाण बढ़ेगा। समस्याएं जरूर है, मगर समाधान ही नहीं करना। अब तो कोई ये भी कह देगा
कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना ली है। अरे भाई हर चीज को, ये कानून को भी कहा, मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए सुनने के लिए, नहीं बैठे, माइनॉरिटी को परेशान। ये बिल में माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कि इस चश्मा लगाकर मेरे बिल को पढ़ा, मैं ढूंढ रहा हूं मेरा चश्मा खराब है या टेक्निक नहीं है मेरे चश्मे, कहीं माइनॉरिटी शब्द नहीं है, कहां से ले आए? माननीय अध्यक्ष जी, है जो चश्मा है ना, ये कहीं ना कहीं आपने भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं का उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सुविधा हमने करा है, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये इसलिए बना है कि दो सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए, वो इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां, जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, इसको इससे दो कदम आगे हो, दो कदम पीछे न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतनी शंका से देखने का जरूरत नहीं है, हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम का भी विचार करना पड़ेगा, उसको रोकने का अभी से प्रयास करना पड़ेगा, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हमने पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम टैकल नहीं कर सकते, माननीय अध्यक्ष जी, इसको बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको बिल को आइसोलेशन में मत देखिए, ये बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है, इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने चुनकर भेजी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा, और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को, अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है, मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिव को, सचिवों को पत्र लिखा है, ढेर से सारी लॉ यूनिवर्सिटी को गृह सचिव जी ने पत्र लिखा है, सबके पास से अभिप्राय आ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, जब सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, जरूर उसको स्टैंडिंग कमेटी या तो गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर वहां पर भी आप फिर मेजोरिटी वाली बात लेकर आए। चर्चा से कोई भागना नहीं चाहता, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए, और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए, समस्याएं देश में कम हो इसके लिए होनी चाहिए, और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है, हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी ढेर सारे लिए। अब मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम एक सीसीटीएनएस कर व्यवस्था लेकर आए, क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए मुख्य आईटी पिलर है वो, और मुझे कहते हुए आनंद है माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2022 तक 16,390 पुलिस स्टेशन में सीसीटीएनएस लागू कर दिया गया है, और 99% पुलिस स्टेशन में आज एफआईआर का रजिस्ट्रेशन सीसीटीएनएस के आधार पर होता है, इससे डेटा उपलब्ध होता है, और वो डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालिसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है, और उसको ही एडवाइजरी गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों पर जाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर कोई खड़ा हो जाएगा कि राज्यों का सब राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केंद्र मदद तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए,
माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के 751 हमने सीसीटीएनएस के साथ ई प्रिजन भी एक मॉडल बनाकर राज्यों को भेजा है, ई फोरेंसिक का भी भेजा है, ई प्रोसिक्यूशन का भेजा है, ई कोर्ट का भी भेजा है, और ये सारे इनिशिएटिव के माध्यम से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ताकत देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसका हिस्सा एक बिल है। इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में ई अभियोजन ई प्रोसिक्यूशन लागू हो चुका है। ई प्रिजन को 1,259 अलग अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई फोरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फोरेंसिक यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। मैं इसलिए बताता रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है, कि ये टोटल जो प्रयास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका एक हिस्सा ये बिल है। मैं सदस्यों को ये बात बताने के लिए ये पूरी साथ बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सीसीटीएनएस के सॉफ्टवेयर में आज 7 करोड़ से अधिक एफआईआर उपलब्ध है। अब ये 7 करोड़ से अधिक एफआईआर जो नेशनल डेटाबेस में उपलब्ध है, इसमें 28 करोड़ पुलिस का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और दादा, मैं वो भी बताता हूं, आप अब बीच में बोलकर मेरा लय मत तोड़िए। माननीय अध्यक्ष जी, इस डेटा एक, इसके साथ साथ हमने ये सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए हैं, और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर, एनालिसिस होकर, हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूती में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहां से राज्यों को माननीय अध्यक्ष जाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसका भी हमने शुरुआत किया है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी शुरू किया है। और ये सब में, मैं सारे सदस्य जो चिंता व्यक्त करते थे, ये सब में कहीं से भी अभी तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। प्राइवेसी, ह्यूमन राइट, लीकेज, मिस यूज ऑफ डेटा, ये सारा हो चुका है ये 2.5 साल में, और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। देश की अदालत में, मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, देश की अदालत में इसके मिसयूज की एक भी कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको परमिट नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसका मिसयूज ना हो, इसकी व्यवस्था करी। और क्यों हम इतने शंका के जमाने में जी रहे हैं, क्यों इतनी शंकाएं की जा रही है? माननीय अध्यक्ष जी, जो इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, वो इनिशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर भी चालू किया गया है, और 60,000 लोगों ने क्रीमैक का इस्तेमाल किया है, और उसमें से 24,000 से ज्यादा अलर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, और उसमें से कई अपराधी धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, रेलवे पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट द्वारा, अलग अलग जिले की पुलिस के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, लापता व्यक्ति की खोज के लिए भी हमने सारी एफआईआर का एनालिसिस कर उसका डेटाबेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को साझा करा, और 14,000 तलाशी ली गई और 12,000 लोग प्राप्त कर लिए गए। मैं इसलिए बताता हूं कि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है, हमने भी करना पड़ेगा। कब तक अंग्रेजों के जमाने में हम जिएंगे भाई? आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन एनओसी
उसमें चोरी किए हुए वाहन सारे हमने सीसीटीएनएस से ले लिए, इसका चेसिस नंबर दिया, इसको उपलब्ध कराया। सेकंड हैंड वाहन खरीदने वालों ने उससे 13,636 लोग बच गए और वाहन जब्ती हो गया जो बेचने गए थे। अगर ये सॉफ्टवेयर न होता, एनालिसिस न होता तो कभी न होता। घोषित अपराधी 16,176 अपराधी जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसका डेटाबेस सारी राज्य की एजेंसियों के साथ हमने साझा किया। उड़ीसा वाला अगर गुजरात में छुपा है, गुजरात वाला अगर बंगाल में छुपा है, महाराष्ट्र वाला अगर दिल्ली में छुपा है, इसमें से 16,000 नागरिकों को पकड़ लिया गया है, भागते हुए अपराधी को पकड़ा है। ये जो कह रहे डेटाबेस 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 हवा खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं, ये सारा हो चुका है, यही 2.5 साल में हो चुका है और अच्छे से चल रहा है, कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अब आपकी सुनकर कोई झूठ मूठ की एनजीओ फरियाद खड़ी कर दे तो भगवान जाने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसके अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, दादा सारे नाम अब फुल फॉर्म में पढ़ रहा हूं, इसमें 9 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और उसमें से 18,000 शिकायतें FIR में कन्वर्ट कर दी। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल JCCT 7 JCCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश संघ प्रदेश भी सम्मिलित हैं। और ये सारों की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है जो सारे के उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को ट्रेन करता है। इसी प्रकार से सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां लैंडलाइन लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया है। ढेर सारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे 7 साल में ढेर सारे फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में इनिशिएटिव लिए, लगभग 62 करोड़ की लागत से पुणे में हमने FSL बनाई, सेंट्रल FSL, 50 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी में, 53 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में नई आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है और कलकत्ता में 28 करोड़ की लागत से अब नई सेंटर FSL बन रही है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में चंडीगढ़ में पूरे देश में यौन अपराधी से जुड़े हुए लोगों का अत्याधुनिक DNA डेटा स्टोरेज सेंटर और उसकी प्रयोगशाला भी बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, 2016-17 से 21-22 तक फॉरेंसिक्स के साइंस क्षेत्र में हमने ये काम किया है और देश भर की पुलिस व्यवस्थाओं को आधुनिक करने के लिए, मैं सिर्फ ई इनिशिएटिव के लिए बात कर रहा हूं, 2080 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है माननीय अध्यक्ष जी 2080। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसको सांसदों के मन में कोई संशय न रहे। अभी एक बात आई कि इसका उपयोग कैसे होगा, मिसयूज कैसे होगा, ये सबसे साझा कर दिया जाएगा तो निजीता का क्या होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं, मगर मैं पहले उपयोग के बारे में एक बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नेफिस को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, नेफिस के पास अभी इसको ऑपरेट नहीं किया है, ट्रायल बेस पर चल रहा है उसका सॉफ्टवेयर, परंतु नेफिस के पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अभी हैं। मैं ये बात डिटेल इसलिए बताना चाहता हूं कि यही तकनीक इसके लिए अपनाई जाएगी। नेफिस का डेटा NCRB में स्टोर है, इसमें किसी का एक्सेस नहीं है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी एक तरफा एक्सेस नहीं होगा जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। इसका उपयोग कैसे होगा, तो फिर नफीस को हम CCTNS के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन से जोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन में, मानो कलकत्ता के कोई पुलिस स्टेशन में चोरी हुई, वहां FSL की टीम गई, उसको कुछ, अरे सुनो भाई, इसको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। आज की स्थिति में है कि वो पुलिस स्टेशन को फिंगरप्रिंट के आधार पर पूरे कलकत्ते की आबादी में से चोर को ढूंढना है कि कौन चोरी कर गया।
अब ये डेटा ऑपरेट होने के बाद उसको ये फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में डालना है, 1 करोड़ लोगों में 1.5 मिनट के अंदर सर्च कर वो व्यक्ति का नाम भेज देगा और फिर चोर को पकड़ लेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को और कोई मालूम नहीं पता। धीरंजन जी ने कहा मेरे पर केस हुआ, ये हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं, मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गुरु की आपको माफी मांगनी चाहिए, कभी भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं रखनी है, बैठ जाइए आप, माफी मांगने के लिए रखिएगा बाद में। बैठ जाइए नीचे। अध्यक्ष जी आपको मार्गदर्शन देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच विचार कर बोला कर। लिया मैंने सुना है ना, लिया है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई अधीरंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी एक सेकंड बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और उन्होंने गुरु की माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी अब ये जो सुनिए, अब मेरी बात अधूरी रह गई। ये मैं जो कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसको ये डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल डीएनए सैंपल मिला, तो उसको वो यहां भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर, वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है माननीय अध्यक्ष जी, और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले, किया भी है, मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना, माननीय अध्यक्ष जी मैं इससे सहमत नहीं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो, इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपिसमेंट में इसको रद्द किया गया, मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब, हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने, हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, ये यूएपीए में अमेंडमेंट चिदंबरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था, हम भी ऑपोजिशन में बैठते थे, हमने कभी विरोध नहीं किया था। परंतु शंकाएं खड़ी कर एक धूमिल टाइप का, एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में एक स्पष्टता हो जाए। डेटा एक सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा, जिसको डेटा से एक्सेस चाहिए वो अपने सैंपल भेजेगा, यहां से मैच कर उसको परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा, हम सबके फिंगरप्रिंट है आधार में, हम सबके डॉक्यूमेंट्स है टेलीफोन मोबाइल लेने में, सिम कार्ड लेने में, ये तो कोई क्रिमिनल नहीं है और हम क्रिमिनल का भी नहीं लेंगे, कैसे रोकेंगे क्राइम को? मैं अभी भी कहता हूं ह्यूमन राइट के 2 एंगल है, मैं भी जिन पर आरोप लगता है इसके ह्यूमन राइट से इनकार नहीं करता, मगर मैं इससे ज्यादा चिंता करता हूं जो निर्दोष है और क्राइम का विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट की भी चिंता,
और इसकी प्रायोरिटी स्वाभाविक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून का समर्थन कर रहा है, क्यों ना हो उसकी प्रायोरिटी। और क्या जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया है इस सरकार में इतना विवेक भान नहीं होगा? कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे, हमने कभी ऐसे भाषण नहीं किए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, विरोध करने के मुद्दे होते हैं, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ऑपोजिशन में बैठे हैं इसलिए विरोध करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हंसने से कुछ नहीं होता, दया नहीं दीजिए, सुनना पड़ेगा, हंसने से चीज हल्की नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिस में दो सिद्धि न होने का, सजा न होने के कारण जो निकाले गए हैं, इसमें सबूतों के कमी के आधार पर 7.5 लाख केस हर साल बंद किए जाते हैं। अब ये 7.5 लाख केस में जिसका नुकसान हुआ है, इसका ह्यूमन राइट है या नहीं है? अगर ये सारे सबूत उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये संख्या, मुझे भरोसा है, आधे से कम हो जाएगी। और यही उपलब्धि है इस बीच। किसी ने कहा, कह सकते हो कि ये होने के बाद कोई क्राइम नहीं होगा, किस प्रकार की बात इस सदन में हो रही है? धारा 302 कब से है? तो खून बंद हो गए क्या? तो क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? क्या तर्क देते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं और क्या जगह देखते हैं? बाहर तो ठीक है, कभी कभार कहीं कभार बोल दो सबको हंसाने के, ये तो संसद है। माननीय अध्यक्ष जी, न्याय की प्रतीक्षा, जिसमें कोर्ट कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग कर दिए जाते हैं, क्या उनको जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, है उसको जल्दी न्याय लेने का, और वो तभी मिल सकता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे जो मैंने कहा ये सब इनिशिएटिव को एक कर इसका उपयोग कर सजा दिलाने का जब हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि देरी से मिला हुआ न्याय, इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिले, तभी जाकर कानून का राज प्रस्थापित होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर पुलिस क्या करे? थर्ड डिग्री पर जाए क्या? हमें यह अलाउ करना है? नरेंद्र मोदी सरकार मानती है थर्ड डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तकनीक की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन के आधार डिग्री के आधार पर। थर्ड डिग्री से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए वहां नजदीक, और कंपेल होना पड़ता है पुलिस को, दबाव बढ़ता है, अखबार बढ़ाते हैं, विधायिकाएं बढ़ाती है, मगर कैसे करेंगे? तो टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर सजा दिला सकती है तो थर्ड डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये थर्ड डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेक्निक का सहायता तमिलनाडु में भी होता है कई जगह। मैंने ऐसा बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं उनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने ये किया थर्ड डिग्री पर जाने के लिए, कंपेल न करने के लिए, थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े इसलिए कहा। ये ढंग से समझ नहीं पाए मेरी बात, अब लगाया है ट्रांसलेशन मोड पर, इसलिए आप वो समझेंगे शायद। मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता ना गुस्सा होता हूं, हमेशा सोच विचार कर धैर्य से कहता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो नया कानून आया है वो बंदी सिन्हा अधिनियम 1920 के, उस पर 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में इसको उचित संशोधन कर विज्ञान आधारित बनाने की एक सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी। दादा की ये बात सही, इतना देर क्यों हो गया? मगर दादा, हम तो देर से भी लेकर आए, आप तो अभी भी विरोध कर रहे हो।
तो और देर हो जाती। हाँ दुरुस्त है, चलो अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष जी। उसी रिपोर्ट में माननीय अध्यक्ष जी, उसी रिपोर्ट में विधि आयोग ने स्वीकार किया था कि पहचान के उद्देश्य एकत्रित किए जाने वाले मापों को सीमित नहीं रखा जा सकता, आधुनिक टेक्निक का उपयोग कर उसको सुरक्षित रखना चाहिए, सीमित रखने का कंसेप्ट ठीक नहीं होगा। इसलिए जो कहते हैं इसकी क्या जरूरत है उसकी क्या जरूरत है, इसको सुरक्षित रखना, मैं आपकी चिंता और आपके कंसर्न दोनों से सहमति है मेरी, इसकी सरकार पूरी व्यवस्था करेगी कि इसका दुरुपयोग कहीं पर भी न हो। इसकी कार्य पद्धति भी रूल्स में इसी तरह से बनाई जाएगी और इसके उपयोग के लिए जो पद्धति बनाई जाएगी उसमें देश के अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता लोगों को बिठाकर उनकी सेवाओं को लेकर हम माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, ह्यूमन राइट और निजता। मैं कोई दूसरे देश से हम ह्यूमन राइट में पिछड़े हुए हैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं, मगर ये सारी बातें जहां से प्रेरणा लेकर की जाती है जो लोग करते हैं, इनको मैं ब्रिटेन का उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन का जैविक सूचना डेटाबेस दुनिया में सबसे बड़ा है। अपराध स्थल पर ही संदिग्ध का सारे प्रकार का सैंपल ले लिया जाता है और कोर्ट में वहां 60% मामलों में सजा इसी डेटाबेस के आधार पर इंग्लैंड में होती है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड ने किया इसलिए करना चाहिए, मगर ह्यूमन राइट का जो फॉरेन कंसेप्ट लेकर आते हैं उनको समझाने के लिए मान, मैं तो वो कंसेप्ट से सहमत ही नहीं हूं, परंतु उनको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो अधिनियम है उसमें आधुनिक एवं नवीन तकनीकों से शरीर का माप लेने का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नए शारीरिक माप को लेने के लिए इन नई तकनीक के आधार पर कानून हम लेकर आए हैं और मैंने जैसे पहले बताया कि हम इसको दोष सिद्धि के अलावे किसी के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीआरबी देश की प्राइम संस्था है, कई सालों से चल रही है, क्राइम कंट्रोल में उसका बहुत बड़ा योगदान है, सभी राज्य की पुलिस को वो मदद करती है और वहाँ आईपीएस अफसर बैठते हैं, वहाँ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठता है। वैसे तो फिर तो सब डेटा, इनकम टैक्स का डेटा भी किसी अफसर के हाथ में होता है, सब डेटा, आधार का डेटा भी अंततोगता तो किसी अफसर के हाथ में, तो क्या डेटा ही नहीं करना, 18वीं सदी की तरह कागज रखना शुरू करना, कहां ले जाएंगे शंका के वातावरण को। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीआरबी पे शंका करना मैं नहीं मानता कि उचित है। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं थोड़ा कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब सरकारों ने इतना ज्यादा नहीं मगर 1920 के कानून को बदलने का काम दादा करा है, ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जरा डाउनलोड कर देख लीजिए, वो कर चुके हैं। और इससे भी आगे सभी सरकारों से हमने चर्चा विचारणा भी करी है और उसके बाद ये बिल लेकर मैं माननीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमने सबका संपर्क किया था मगर दुर्भाग्य की बात है सिर्फ 10 राज्यों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं। अब समय मर्यादा के कारण बिल ही आ गया है, बाकी राज्य उसके बाद देखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि जेल में जो कैदी है इसके सुधार के लिए भी सरकार कुछ नहीं करी। हम एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं जिसका राज्यों का कंसल्टेशन समाप्त होने की कगार पर है। मॉडल जेलों के लिए एक मॉडल अधिनियम लाना जा रहे हैं, मॉडल वो राज्यों को करना है मगर एक मॉडल होगा जो यहां से हम राज्यों को भेजेंगे, जिसमें कैदियों के पुनर्वसन के लिए और जेल से मुक्त होकर वो पुनः प्रस्तापित हो आफ्टर केयर सेवाओं पर, इसमें बड़ी पुख्ता योजना है। जेल के अधिकारिक कर्तव्य, शक्तियों और जिम्मेदारियों का और आचरण का
नियमन करने के लिए भी इसके अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। अधिकतम सुरक्षित जेल, उच्चतम सुरक्षा वाली जेल, खुली जेल, महिलाओं की जेल और ट्रांसजेंडर के अलग खोली, ये सारी व्यवस्था इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। महिला बंदियों के लिए अलग जेल, बैरेक और बच्चों के साथ महिलाओं के जो महिलाएं हैं इसके लिए भी अलग बैरेक बनाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कैदियों का मनोवैज्ञानिक आकलन कर, नार्को एनालिसिस नहीं, मनोवैज्ञानिक आकलन कर उनको उनको क्राइम की आदत छुड़ाने के लिए भी साइकोलॉजिकल डॉक्टरों की सर्विस वहां पर उनको दी जाएगी। काउंसिलिंग, थेरेपी और ट्रेनिंग तीनों इस विषय में हम लाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बंदियों को कानूनी सहायता का प्रावधान भी करने जा रहे हैं। उसी की जो मजदूरी करते हैं उसी की कमाई से दंड भरकर उसको जल्दी जेल से छोड़ने का एक व्यवस्था भी एक्ट के अंदर अधिनियम के अंदर करने जा रहे हैं। पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई, इसको भी हम बहुत रिलैक्स करने जा रहे हैं। जेल कैदियों को प्रौद्योगिकी का ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंस के व्यवस्था को भी और सुदृढ़ हम करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मॉडल अधिनियम भी अभी फाइनलाइजेशन पर है, उसके बाद में सारे राज्यों को भेज दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बैलेंस की जरूरत है देश में। व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज के, सोसाइटी के अधिकारों पर भी चिंता करनी पड़ेगी और दोनों के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते करते समाज एस सच समाज के अधिकारों का ही हनन हो जाए, इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षा नहीं हो सकता, ना करना चाहिए, किसी भी सरकार ने करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने काफी सारी चीजें उठाई थी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि एस पुट्टुस्वामी का जजमेंट बहुत सारे सांसदों ने कोट किया, मनीष भाई से लेकर बहुत सारे सांसदों ने कोट किया। इसमें तीन अपवाद दिए। अपवाद कब हो सकता है? यह सक्षम विधायिका द्वारा कानून पारित कर किया जाएगा, जो ये सक्षम विधायिका है, यह वैध देश हित में सहायक होगा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और पुख्ता करना, आरोपियों को सजा कराना, क्रिमिनलों को सजा कराना, मैं मानता हूं ये वैध देश हित है और ये देश हित में हो रहा है और अनुपातिक नहीं होगा, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा। तो ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सारे लोग जो पकड़े जाएंगे उसके लिए होगा। तो इसके लिए ये पुट्टू स्वामी का जजमेंट जो आप कोट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और वो ना इसको लागू पड़ता है ना इसको पारित करने में कोई बाधक है। इसके बाद में उन्होंने कहा, मनीष जी ने, कि सीआरपीसी और आईपीसी के सुधार किए जा रहे हैं, सिविल सोसाइटियों से चर्चा नहीं हो रही है। सिविल सोसाइटी से चर्चा, मनीष जी, मैंने तो आपको पत्र लिखा है, आप भी कर लो, उनके सुझाव लेकर मुझे भेज दो। हमने सारे विधायकों को पत्र लिख दिया, सारे सांसदों को लिखा, सारे न्यायालय को लिखा, सारी लॉ कॉलेजों को लिखा, अब कौन सा इससे बड़ी सिविल सोसाइटी लाएंगे? हम ही हैं देश की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी, ये हमारा संसद है जो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। आप सब लोग भेजिए अपना सुझाव, मुझे नहीं लगता। जब भी ऐसा कोई कानून लाया जाता है उससे पहले सभी लोगों से चर्चा हो जाए। आपकी बात सही है, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के संबंध में हमको लिखा है, पर जहां तक इस कानून का सवाल है, इस विधेयक का सवाल है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, ये मेरा कहने का तात्पर्य। कल आप जो बोले वो ध्यान से सुन लेना, मैंने ध्यान से सुना है, आपने सीआरपीसी आईपीसी के लिए ही कहा है सिर्फ, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार से
एनसीआरबी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से डेटा साझा करेगी, ये भी मैंने बता दिया है। डेटा एक तरफा साझा होगा, पूरा डेटा किसी से साझा नहीं होना है। वो लोग अपने उपयोग का डेटा यहाँ क्वेरी भेजेंगे, इसका जवाब इतना ही स्पेसिफिक जवाब यहाँ से पहुंचेगा। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखा जाने वाला है मनीष जी, और उसको नेटवर्क पर साझा नहीं किया जाएगा, क्वेरी के आधार पर साझा किया जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या निजी पक्ष की कोई भागीदारी होने वाली नहीं है, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। ये कंप्लीटली एनसीआरबी है। माननीय अध्यक्ष जी, 107, 108, 109 और 110 सीआरपीसी में नमूने लेने की बात करी, इसमें अंदर ही प्रोविजन है कि जिनको ऑर्डर नहीं किया है प्रतिभूति देने का, इसके अलावा जिनका किया है इसके अलावा किसी का नहीं दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि संदेहात्मक आर्टिकल 21 का उल्लेख किया है, वो किसी का नहीं होता है। ये संदेहात्मक व्यक्ति और जो जिनका कन्विक्शन हो चुका है ऐसी व्यक्तियों का ही होगा, और डेटाबेस सुरक्षित रहने वाला है तो कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे कानून के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 21 के सो कॉल्ड वायोलेशन की जो बात करते हैं, इसी में अनुच्छेद 3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम की कैद की सजा वाले अपराधी जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हो और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वो मना कर सकता है। मैं भी और सेल्बी पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, स्वाभाविक है मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। मैं भी इसलिए लिखा है कि कोई स्वेच्छा से अपना डेटा देना चाहता है तो वो दे सकता है, सेल्बी लिखने के बाद लेने का प्रोविजन ही नहीं होता है। मगर मैं भी अधिकारी को तो बाध्य कर ही देता है, अधिकारी नहीं ले सकता। मैं भी लिखने के बाद जो कैदी है वो दे सकता है कि मुझे अब कभी अपराध करना ही नहीं, ले लो मेरा डेटा। भरतूरे जी, बाद में मैं जवाब दूंगा। सेल नोट और मे नोट के लिए मैं कह रहा हूं। हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद में एक उठाया कि भाई 75 वर्ष तक क्यों रखने हैं, भाई जब लिखी नहीं होना है तो साल कम कर भी क्या करना है, लिखी नहीं होना है तो साल कम कर क्या करना है, और अगर लीक होना है तो 1 साल भी नहीं रख सकते। भारत के संविधान 20(3) के तहत अब अपराध अपने विरुद्ध गवाह बनने का इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं एक जजमेंट कोट करना चाहता हूं, कालीकाठू ओगढ़ केस 1961 का और रितेश सिन्हा केस 2019 का। उसमें इन्होंने कहा है कि सारे प्रकार के साक्ष्य उन्होंने देने पड़ते हैं जब कोर्ट ऑर्डर करती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसका उपयोग कोर्ट, अगर ये गैर संवैधानिक है तो कोर्ट इसका उपयोग ही नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी कोर्ट उपयोग। और मैं मानता हूं कि आर्टिकल 23 हमने जो 6(1) में प्रोविजन किया है इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, मैं सदन के रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। और अगर आप लोगों के मन में आशंका है तो उसमें रूल्स में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि कैदी के सहमति के बगैर कोई भी ये टेस्ट नहीं कर सकता, ना करने की ऐसी मंशा है ना हमारा इरादा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 4(b) के लिए कहा, ये 75 वर्ष वाला ये जो मैं कह चुका हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे सांसद जो बोले और नहीं बोले, दोनों के मन में था कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर हमें पकड़ कर ले जाते हैं तो हमें सैंपल देने पड़ेंगे, जरा भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 7 साल की सजा जब तक नहीं है उसमें आप इसका इनकार कर सकते हो। और इसके रूल्स के माध्यम से भी
कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर डाल सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता का समाधान हमने एक्ट के अंदर ही ऑलरेडी जिसमें बॉन्ड का प्रावधान है, गिरफ्तारी का नहीं प्रावधान है। तो अगर किसी को 107 में आप डिटेन करते हैं तो स्पेसिफिकली इस विधेयक में लिखा हुआ है कि पुलिस के पास अख्तियार होंगे उसके सैंपल लेने के लिए। इसको अगर आप रूल्स में क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर इसको निकाल देंगे तो और बढ़िया है। देखिए रूल्स में मैं अभी भी कह देता हूँ, रूल्स में अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो मैं सदन के सामने अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करिए। अगर रूल क्लैरिफाई कर सकते हैं तो जरूर रूल्स में क्लैरिफाई। इसमें दयानिधि मारन जी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक, इसमें ये सब के लिए माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी आशंका माइनॉरिटी के लिए इसका उपयोग होना होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। निजी कार्यकर्ता का अधिकार भी कह दिया इन्होंने, दिल्ली के दंगों में कुछ नहीं हुआ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन करा। मगर दयानिधि मारन जी को मैं कहना चाहता हूं कि 2473 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 403 चार्जशीट हो चुकी है और 2473 में से सिर्फ 86 लोगों की बेल हुई है, सब लोग जेल में हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार, यहां दंगे करने वालों को पार्टी के आधार पर छोड़ा नहीं जाता है माननीय अध्यक्ष जी। इसके बाद में सुप्रिया सुले जी ने भी आर्टिकल 21 का वायोलेशन का मैंने कहा है, पीएमएलए के मिसयूज के बारे में कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में हो सकता है कि कोई कानून का उल्लंघन किसी ऑफिसर लेवल पर या किसी लेवल पर हो सकता है, मगर अदालतें नहीं है क्या? चैलेंज नहीं हो सकता? माननीय अध्यक्ष जी, हम ऐसा राज करना चाहते हैं कि कोई किस भी मनमानी तरीके से गलत करता जाए और चूंकि वो राजनीति में है इस पर कोई केस ही नहीं होगा? इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं? सबके लिए अदालतें खुली है कि अदालतों पर भी शंका है और सब लोग अच्छे से अच्छे लॉयर रख, किस बात का डर है? और इसमें पीएमएलए कहां है? ये तो जो पकड़कर आता है इसके लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। इसमें तो पीएमएलए का उदाहरण लगता ही नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, भरतूरी मेहताब जी ने किया कि मुझे पोटा की याद आ गई। मेहता साहब, ये ज्वाइंट सेशन नहीं है और मैं तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन करना भी पड़े तो करने के मत का हूं किसी भी तरह से। काम की हमें आगे बढ़ना होगा है करने के लिए। मैं पोटा के बारे में कहा, इसमें भी भरतूर जी जो देना चाहेंगे वो ही देगा, बाकी के लोगों के लिए 7 साल तक कोई बाध्यता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डेटा रिकॉर्ड के बारे में जो बात उठाया है कोई मिसयूज नहीं होगा, हम इसकी पूरी चिंता करेंगे आधुनिक से आधुनिक टेक्निक के साथ इसकी स्टोरेज की और इसके उपयोग की व्यवस्था करेंगे, किसको भी इसका मिसयूज हम करने नहीं देंगे। दानशली साहब ने फिर से एक बार हमेशा जो बोलते हैं वो ही बोला है, मगर अब है उनको पसंद आ गया ना, चलो कुछ तो पसंद आया। उनका मुद्दा था माननीय अध्यक्ष जी यूएपीए का, इसका मैं डिटेल जवाब दे सकता हूं, मगर मैं कुछ तथ्य जरूर रिकॉर्ड पर करना चाहूंगा। 2019 में इस देश में 51,56,158 केस हुए माननीय अध्यक्ष जी और 66 लाख लोग पकड़े गए यूएपीए के तहत। 2019 में सिर्फ 1200 केस हुए, सिर्फ 1200। इसमें नार्कोटिक्स के भी है, इसमें हथियारों की तस्करी के भी है, इसमें टेररिज्म के भी है, इसमें टेररिज्म के लिए विदेश से फंड लाने के भी है, और सिर्फ 796 लोगों को पकड़। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप सवाल उठाओगे इसलिए देश के विरुद्ध काम करने के खिलाफ यूएपीए नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा और जेल की सलाखों के पीछे डालेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 706 लोग 2020 में, 68 लाख लोग पकड़े गए माननीय अध्यक्ष जी,
इसमें से सिर्फ 1300 लोग हैं और 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 केस है। क्या कहना चाहते हैं? मिसयूज। ये कोई एक जाति धर्म के लिए नहीं है, मगर आपकी बात, आपकी पैरवी एक जाति धर्म के लिए। और इस तरह से संसद में चर्चा जब होती है, तब संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम नहीं डरते ऐसे विवाद से। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमने दी, हमें दी। और इस तरह से नहीं डरा सकते आप। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में दादा ने कुछ मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि बिल में लॉ कमीशन का उल्लेख क्यों नहीं किया। दादा, बिल में उल्लेख करने का जरूरत नहीं है, मैंने मेरे भाषण में इसलिए उल्लेख कर दिया कि बहुत सारे आधार है। शायद लॉ कमीशन ये रिपोर्ट न भी देता तो भी बिल लेकर आते। सरकार कोई बाध्य नहीं है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल लेकर आए, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1985 में विधि आयोग ने इसकी जरूरत को समझा है और अब हम लेकर आए, तब हमने इसको भी कंसिडर करके इसको किया है। जहां तक नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर को शक्तियां देने का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, तहसील और जिले की जेलों में, तहसील की जेलों में, अस्थाई जेलों में कहीं ग्रेजुएटेड ऑफिसर है ही नहीं। एक सेकंड दादा, हेड कांस्टेबल भी कितने साल की सर्विस के बाद बनता है। दूसरी बात, इसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है और बहुत सारे तो FSL में लिए जाएंगे सब, और इसकी लेने की एक प्रक्रिया बनेगी, इसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही राज्य इसको नोटिफाइड करेंगे, भारत सरकार का। इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम करने वाले हैं दादा, तो इसके मिसयूज की आप जरा भी चिंता न करें। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक तकनीक का उपयोग से हम अब देरी नहीं कर सकते, इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग होना चाहिए और उसको परिणाम लक्ष्य बनाकर देश को सुरक्षित बनाए। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया, ये बिल ऐसा बिल है जिसको सर्वानुमत से पारित करना चाहिए, सभी लोग अध्यक्ष जी को ऑब्जेक्शन विड्रॉ करकर सर्वानुमत। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें।